हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग पता है, अभी SSC MTS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज प्रैक्टिस सेट 5 करवाने वाले हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन का रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मछली कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्टोन मीन, बी है गोभी, सी है एकेडिना और डी है ट्राइटेका। तो वन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 2 नंबर, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 मई, बी है 24 मार्च, सी है 10 मार्च और डी है 28 जुलाई। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 3 नंबर, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स हैरिसन, फिनले, हाफमैन और पालमुलर। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 4 नंबर, सबसे व्यस्त अंग कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है त्वचा, सी है यकृत और डी है थायराइड ग्रंथि। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 5 नंबर, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है राजमुंदरी, बी है कोसरगोड, सी है सबौर और डी है रांची। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 6 नंबर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 7 नंबर, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है? ऑप्शन ए है आइडोफार्म, बी है बेंजोइक अम्ल, सी है टार्ट्रिक अम्ल और डी है क्लोरल। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 8 नंबर, गामा किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है मार्कोनी, सी है हेनरी हर्ट्ज और डी है बेकुरल। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जजाएगा, बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 9 नंबर, नाइट्रोजन के आविष्कार कौन है? ऑप्शन ए सीले व प्रिस्टले, बी है एच क्वेंडिन्स और सी है रदरफोर्ड और डी है मैडम क्यूरी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 10 नंबर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जलाहली, बी है धनबाद, सी है पुणे, डी है पणजी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 11 नंबर, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए है कुकरबिटेसिन, बी है सोलेनिन, सी है कैप्सेनिन और डी है आइसोसाइनाइन। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकरबिटेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 12 नंबर, मूंग का जन्मजाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है अफ्रीका, सी है चीन, डी है दक्षिण पूर्वी यूरोप। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर, जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है उज्जैन, सी है वाराणसी और डी है असम। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 14 नंबर, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी, बी है 5 जून, सी है 14 नवंबर और डी है 11 अक्टूबर। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 अक्टूबर। 15 नंबर देख सकते हैं गाइस, 15 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? ऑप्शन ए है स्पाइनी टेल्ड, बी है शुतुरमुर्ग, सी है हमिंग बर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, स्पाइनी टेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 16 नंबर, लाइड वनस्पतिक पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये है पालमपुर, बी है लखनऊ, सी है त्रिवेंद्रम और डी है दार्जिलिंग। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 17 नंबर, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जॉन इसॉल्क, बी है एल्बर्ट सेविन, सी है एडवर्ड जेनर और डी है रॉबर्ट कोच। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉनी सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 18 नंबर, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइलोक्यूनिन, बी है कैल्सिफेरॉल, सी है फॉलिक एसिड और डी है पायरिडॉक्सिन। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 19 नंबर,
कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, बी है एथिल अल्कोहल, सी है मिथेन और डी है मेथिल अल्कोहल। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 20 नंबर, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? ऑप्शन ए है 30 से 60 डेसिबल, बी है 70 से 80, सी है 90 से 100 और डी है 15 से 20। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 30 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 21, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 22, बी है 30 और सी है 45 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 22, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध गवर्नर है? ऑप्शन ए है भाग 18, बी है भाग 15, सी है भाग 9 का बी और डी है भाग 20। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 18 यानी भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 23, रोका नामक कृषि किस देश में होती है? ऑप्शन ए है जावा, बी है वेनेजुएला, सी है श्रीलंका और डी है ब्राज़ील। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बात करें 24, काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी है मेघालय, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए थाने, बी है दिबांग घाटी, सी है कुरुकुमे और डी है लोंगलेग। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थाने। तो गाइस आप लोग बताइएगा आप लोग का 25 में से कितना मार्क्स आता है, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।